सदर थाना क्षेत्र तेलीपाड़ा दामोदरपुर में बुधवार की सुबह पारिवारिक झगड़े के कारण पत्नी द्वारा पति की हत्या कर फरार हो गई, जिसकी सूचना परिजनों के द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं शव को कब्जे में लेकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि धनबाद के दामोदरपुर निवासी अजीत हांसदा पेशे से राजमिस्त्री था। घर में उसकी पत्नी सरस्वती देवी और दो बच्चे थे। पत्नी का मायका निरसा के दलदली में है। उसकी शादी लगभग 5 वर्ष पहले हुई थी। वह मंगलवार की शाम दैनिक मजदूरी कर घर लौटा था। मंगलवार की रात में खाना खाने के बाद पति पत्नी ने अपने बच्चों को सुला दिया। उसके बाद दोनों के बीच किसी बात पर जमकर विवाद हुआ, जिसमें पत्नी सरस्वती देवी ने पति अजीत हांसदा पर हमला कर उसे जान से मार दिया। इस दौरान बच्चों को नींद से जागने पर उन्हें सोने के लिए बोली, फिर पति की हत्या करने के बाद वह घर छोड़कर फरार हो गई। इधर शव के मुंह को पूरी तरह से प्लास्टिक से बांधा हुआ था, वहीं सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। घटना हुआ आज? घटना तो हुआ शायद जो है मैंने रात को घटना हुआ है जी। हम लोग को तो सुबह में वही 6:15 बजे पता चला। कुछ लड़का लोग गए खबर देने के लिए, बोला कि देखे ना ऐसे ऐसा बात। हम लोग क्या करके देखें तो सही में देखे कि खून से लथपथ पड़ा हुआ था, गिरा पड़ा हुआ था। क्या हत्या हुआ है? शंका तो वही लग रहा है कि जो है हत्या ही हुआ है। मियां बीवी में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी में कोई हथियार वगैरह से वार किया होगा। और परिवार के बीच में ही ये झगड़ा हुआ है। परिवार क्या ही जो है मैंने लग रहा है क्या करता इसे, जबकि अगल बगल वाला को भी किसी को मालूम ही नहीं चला कि इस तरह करके हल्ला गुल्ला होने से भी जो है अगल बगल वाला दौड़ के आता, हल्ला गुल्ला भी कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या करता था लड़का? राजमिस्त्री का काम करता है। क्या नाम था? अजीत हंसदा ना, अजीत। अजीत कौन सा जगह है ये? ये दामोदरपुर है, डुंगरी कुली है। पुलिस आई है अभी? जी पुलिस आई है, छानबीन कर रही है। मैडम आई है, रिपोर्ट वगैरह लिख रहे हैं। क्या नाम परिचय अपना बता दीजिए। हमारा नाम हो गया सुनीजन हंसदा, हम मुखिया प्रतिनिधि हुए।